फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एज सून एज और नो सूनर देन को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि एज सून एज और नो सूनर देन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, एज सून एज या नो सूनर देन दोनों का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा फर्क है। आइए सबसे पहले एज सून एज का कुछ एग्जांपल देख लें, उसके बाद नो सूनर देन का भी एग्जांपल देखेंगे ताकि आप बात को पूरी तरीके से समझ सकें। जैसे अगर आपको कहना हो, जैसे ही टीचर क्लासरूम में आए बच्चे खड़े हो गए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी जैसे टीचर क्लासरूम में आए बच्चे खड़े हो गए। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप नो सूनर देन से भी बोल सकते हैं। नो सूनर डिड द टीचर कम इन द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दो बात याद रखेंगे कि अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को नो सूनर देन से बोलेंगे तो आपको नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, और दूसरी बात, जब आप दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे तो दूसरे सेंटेंस के पहले देन लिखना होगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो, जो ही मैं उसको देखा वह छुप गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे as soon as I saw him he hid। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को no sooner than से बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं no sooner did I see him than he hid। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि no sooner के बाद मैंने बोला did, यानी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले मैंने than का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, यही डिफरेंसेस है। as soon as के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, जबकि no sooner के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले देन का इस्तेमाल करना है। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा बारिश होने लगी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे as soon as I reached station the rain started। लेकिन इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं no sooner did I reach the station than the rain started। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया कि दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और जब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो उसके पहले आपको देन का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, लास्ट में एक बात और बता दूं कि एज सून एज या नो सूनर देन का इस्तेमाल जनरली हम पास्ट टेंस में ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।